राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय एक अर्जुन विषाद योग का श्लोक 17 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण, का के साथ आदर्श काश, य के साथ आदर्श यश काश यश, च में अमिक्स करेंगे च काश यश च, पर दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करना है, पर मे के साथ आदर्श मेष, वा के साथ पूरा से वास, स में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, मेष वास ह, पर मेष वास ह। पहला चरण रिपीट, काश्यश्च परमेश्वासः। दूसरा चरण शिख, ख पूरा है, ख के बाद में आधा अण, शिखन डी, डी की मात्रा बड़ी लंबा खींचना, शिखन डी, च में अमिक्स करना च, म पूरा है, म में अमिक्स करेंगे महा, र और थ दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे महारथ, थमी आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, महारथ ह। सेकंड चरण रिपीट, शिखंडी च महारथ ह। पहला और दूसरा चरण साथ में, काश्यश्च परमेश्वासः, शिखंडी च महारथ ह। तीसरा चरण ध, ध के नीचे री से ऋषि की मात्रा, इसका मतलब हुआ ध आधा है और नीचे री की मात्रा ध्री, डी एच आर आई, ध्री के साथ आधा श धृष्ट और ट में अमिक्स करना धृष्ट। फिर है द्यु, इसको द्यु नहीं पढ़ना है, ध्यान देंगे द्यु का अर्थ हुआ आधा द और य पूरे पर ऊ की मात्रा छोटी, द्यु धृष्ट धृष्ट द्यु, द्यु के साथ आधा मध्यम नो, धृष्ट द्युम्नो, द्युम्नो नहीं करना द्युम्नो, धृष्ट द्युम्नो, विराट के साथ आधा शतश विराटश, च में अमिक्स करना विराटश च। तीसरा चरण ध्यान से समझेंगे, धृष्ट द्युम्नो विराटश च। चौथा चरण सा, आदि त के साथ गया पूरा सात्य, य में अमिक्स किया सात्य, की छोटी मात्रा है की के साथ आदर्श किश सात्य किश चा, प पूरा प में अमिक्स करेंगे परा, जी की मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचना पराजित, त में अमिक्स किया पराजित, त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह पराजित ह। चौथा चरण ध्यान से, पूरे श्लोक में आपको मात्राएं आधा अक्षर इन सब चीजों का ध्यान रखना है, सात्यकश्च पराजितः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, धृष्ट द्युम्नो विराटश्च सात्यकश्च पराजितः, पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, धृष्ट द्युम्नो विराटश्च सात्यकश्च पराजितः। एक बार फिर से, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, धृष्ट द्युम्नो विराटश्च सात्यकश्च पराजितः। अब श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पिछले श्लोक 16 में हमने सुना था कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल और सहदेव जो माद्री के पुत्र हैं उन्होंने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इससे पिछले श्लोक 15 में हमने भगवान श्री कृष्ण के पांचन्य श्लोक बजाना, अर्जुन के द्वारा देवदत्त नामक शंख बजाना और भीम के द्वारा पौंड्र नामक महाशंख बजाने का वर्णन सुना था। अब आज के श्लोक 17 और आने वाले श्लोक 18, इन दोनों श्लोक में हम बचे हुए जो पांडव हैं जिन्होंने भी शंख बजाए उनके नाम सुनेंगे। आज के श्लोक का अर्थ पूरा कल के श्लोक 18 में होगा, इसलिए आज केवल हम शब्दों का अर्थ समझेंगे। काश यश च, इसमें आधा श काश्यह और च इन दोनों शब्दों को जोड़ने पर बना, तो काश्यह यानी काशीराज, च यानी और,
परमेश्वासः यानी श्रेष्ठ धनुष वाले, शिखंडी, शिखंडी नाम है शिखंडी च यानी और, महारथः यानी महारथी। आगे धृष्टद्युम्नो, धृष्टद्युम्न ये भी नाम है, विराटश्च इसमें भी आदश विराटः और च इन दोनों शब्दों को जोड़ने पर आया, तो विराटः यानी जो राजा विराट है, च यानी और, सात्यक्यश्च तो यहाँ पर देखिए सात्यक्यश, सात्यकेश में आदर्श सात्यकी और च इन दोनों से शब्दों से आ गया, तो सात्यकी ही यानी सात्यकी, च यानी और चा लिख रखा है यहाँ पे, तो चा का अर्थ हुआ च धन अपराजितः, च की अ की मात्रा और अपराजिता की अ की मात्रा दोनों अ और अ मिलकर आ बन गया, इसलिए च पर आ की मात्रा आई, तो च यानी और अपराजितः यानी जो किसी से भी हारे नहीं, यानी जो अजय है। अर्थ क्या निकला, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी। अब इसके अलावा जो बचे हुए महारथी पांडवों की सेना में थे उनका नाम हम कल सुनेंगे, और फिर यह श्लोक 17 का अर्थ भी कल के श्लोक 18 के साथ पूरा होगा। आज के श्लोक का केवल यही अर्थ है कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण।